पेपर है 2006 हरियाणा पीएससी का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम्। पहले का आंसर जो है सामान्य है, और इस पेपर की खासियत है कि ये टोटल चरक संहिता पूछी गई है इसमें, शुद्ध स्थान से लेके सिद्धि स्थान तक। पहले चैप्टर का है ये, सर्वदा सर्वभावानां वृद्धि कारणम्। अपृथक भाव किसका गुण होता है? तो अपृथक भाव जो है वो समवायु अपृथक भाव, जो समवाय संबंध से चीजें होती हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं, ऐसे गुण होते हैं उनमें। तीसरा आते हैं अधोगुणा किसका पर्याय है? तो अधोगुणा जो है वो वृद्ध दारू का पर्याय है। मूलिनी में अपन इसको पढ़ते हैं। प्रक्रिया उत्क्रिया के फल का प्रयोग निम्न में से किस कर्म में किया जाता है? तो प्रक्रिया उत्क्रिया जो है करंज के भेद है, विरेचन में काम में आता है, चरक में ही है, सूत्र स्थान में, पहले ही चैप्टर में। कर्णपूरण किस रोग से रक्षा प्रदान करता है? तो कर्णपूरण करने से दिनचर्या में वर्णन आता है कि मन्यस्तम मानुस्तम और बाधिर ये सारे रोग नहीं होते हैं। तो पांचवें का आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अध्यात्म द्रवगुण संग्रह में सम्मिलित है? तो अध्यात्म द्रवगुण संग्रह की बात की जा रही है, जिसका वर्णन चरक सूत्र अध्याय 8 में मिलता है। मनो मनो अर्थात अर्थो बुद्धिर आत्मा अध्यात्म द्रगुण संग्रह, ये इसका श्लोक है। तो उसमें मनो मनो अर्थ बुद्धिर आत्मा ये सभी आ जाते हैं। तो छठवें का आंसर होगा सी। आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य क्या है? तो ये त्रिस्तंभ है। पक्षाघात रोग कौन से मार्गज है? तो चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय में 3 प्रकार के रोग मार्ग बताए गए हैं, कोष्ठ शाखा और अस्थि संधि मार्ग। वहां पर जो है कोष्ठ वाले को जो है अभ्यंतर बोला है, शाखा को बाह बोला है, और अस्थि संधि मार्ग को जो है मध्यम मार्ग रोग बताया है। तो पक्षाघात में हमारी संधियां काम करना बंद करती है, मध्यम रोग मार्ग में आता है पक्षाघात। तो 8वें का आंसर है बी। अहित अर्थ से मनो का निग्रह करना, अहिते व्यय अर्थे भय मनो निग्रह, सत्वाजय, सत्वाजय का की डेफिनेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म प्रथम करना चाहिए? सबसे पहले कौन सा कर्म करना चाहिए? स्वेदन स्नेहन वमन। तो सबसे पहले पंचकर्म में स्नेहन पहले होता है पूर्व कर्म के रूप में, देन स्वेदन होता है, फिर वमन विरेचन आता है। अर्धावेदक निम्न में से किस रोग का एक भेद है? तो अर्धावेदक जो है वो शिर रोग में आता है। भुवो मध्य ललाटम च तपती वेदनम, है ना, भुवों के मध्य में ललाट में तप के समान अति वेदना होना कौन से शिरो रोग का लक्षण है? तो वैसे इसको तपती पढ़ के लगता है कि पित्तज होना चाहिए, लेकिन ये पित्तज ना होके जो है वातज होता है। वैथेन्द्रीय का कारण क्या है? तो वैथेन्द्रीय जो है वह वो जो क्षय है। देखो तो कितना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जब हमने पुराने पेपर लगाए थे तो एमपीपीएससी का जो जिलाधिकारी वाला पेपर है, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर वाला है ना, उस 2018 में ये क्वेश्चन आया था, वैथेन्द्रीय वाला ये क्वेश्चन, और विभेदी वैथेन्द्रीय 2017 में भी आया था। इन सब का वर्णन कहाँ है? तो वही 6 में, चरक सूत्र अध्याय 17। फिर आते हैं हिक्का किस स्थान का वृद्धि का लक्षण है? तो हिक्का जो है नाभि में, जब हिक्का होता है गंभीरा हिक्का, ऐसा याद करते हैं अपन। 14 का बी। ऊर्ध्व भाग अधो भाग और उभय भाग किस रोग के भेद हैं? है ना, ये जो अपन रक्त पित्त पढ़ते हैं उसके भेद होते हैं, उभय अधोग और है ना ऊर्ध्वगत। दुष्टार्थ संयोगज किसका भेद है? तो सर्दी का भेद है। फिर आओ विधि सोणिरी अध्याय किस चतुष्क में सम्मिलित है ना, तो विधि सोणिरी अध्याय 124वां अध्याय है, पहले इतना मालूम होना चाहिए। चेचे को 24 यानी छठ में लास्ट में आएगा। तो फॉर्मूला था BSNL, साइलेंट था, क्रिया KRYA, ये कौन से में आएगा? 17वां योजना में आएगा, छठे नंबर पे। 24वां चैप्टर है तो इसमें छठे वाले में आएगा।
18वें में बढ़ते हैं, बाँधर अभ्यंग उपयोग के लिए श्रेष्ठ औसत कौन सी होती है? बाँधर भी है और अभ्यंग भी कराते हैं, तो ये श्रेष्ठ भाव का क्वेश्चन है, कुछ कूट के लिए कहा गया है। सर्वरसपत्तिनी भूतम कौन सा रस है? तो लवण रस है। ये क्वेश्चन देखो हरियाणा में 2006 में आया है, फिर उसके बाद MPPSC 2015 में भी आया था ये क्वेश्चन। सर्वरसपत्तिनी भूतम कौन सा रस है? लवण है। लवण खारापन आ जाता है भोजन में, तो वो सबको दबा देता है, कोई रस नहीं फील होता उसके बाद। पुष्टियार्थ कृष रोगी के लिए अनुमान है, कृष रोगी के लिए जो बताया गया है वो स्थूल के लिए मधु था, कृष के लिए सुरा बताया गया है। स्थूल व्यक्ति के लिए कौन सा अनुपान होता है? तो मधुतक, शरबत, मधु का शरबत। प्राग उत्पत्ति लक्षण का अन्य नाम है, तो पूर्व प्राग उत्पत्ति लक्षण को पूर्व कहते हैं, चरक निदान का है। फिर डेड डेड डेस्क होना हेतु व्याधि विपरीत अर्थ औषध आहार विहार अनुबंधा जो है उपसर्ग के लिए कहा गया है। सूची वन और टू के साथ सम्मिलित करें और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो बातज ज्वर है, बातज में तो हमेशा कषाय सता मिलेगी, पित्तज वाले में कटु का सता मिलेगी, और कफज वाले में माधुर्य मिलेगा, मुख माधुर्य। तो अगर इसको अगर हम मिलाते हैं तो पहले का होना चाहिए सी, ये पित्त का होना चाहिए, ये कब का होना चाहिए, तो थर्ड 2-1 डी आंसर, 24 का डी आंसर, 24 का थर्ड के बाद में पित्त वाले में पहला, थर्ड 1-2 जो है सही होगा, सी आंसर सही है। रक्त पित्त के भेद होते हैं, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया एक बार से पेपर में, ऊर्ध्वगत हो गया। किस रोग में प्रतिमार हरणम चिकित्सा की जाती है? तो रक्तपित्त में की जाती है। शीत मधुर मूत्र त्याग करना किसका लक्षण है? तो अत्यर्थ शीतम है ना, ईषद विच्छलम, और अत्यर्थ शीतर मधुरम, ऐसा इच्छु और शीत में दोनों में आएगा ये। वातिक प्रमेय असाध्य होते हैं महातिक और विरोधोपक्रम होने से, दोनों कारण गदाएं चरक में, इसका आंसर सी है। आश्वेद और अतिश्वेद यानी पसीना आना अथवा नहीं आना जो है, यह स्किन डिसीज में कुष्ठ का जो है वो पूर्ण रूप होता है, अतिश्वेदो नावा। रायक्षमा में कौन सा दोष कुपित होता है? तो रायक्षमा में त्रिदोष कुपित होते हैं, त्रिदोषज होता है रायक्षमा। अर्धित आकृति च कर्णम च व्याधि किसके लिए कहा गया है? तो ये अर्धित आकृति का कर्णम जो है वो उन्माद का पूर्ण रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है ये। पित्त सामक रस कौन से होते हैं? तो पित्त सामक रस होते हैं तिक्त कटु, मधुर तिक्त कषाय। साथ में किसका पर्याय है? तो उपसर्ग का पर्याय है साथ। अष्टविध आहार विशेष आयतन कितने होते हैं? तो 8। सर्वग्रह परिग्रह किसके भेद हैं? तो सर्वग्रह परिग्रह जो है वो राशि के भेद हैं, यह क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था, एग्जाम्स में आया था। फिर आम दोष की ऊर्ध्व अधोग भाग से प्रवृत्ति किस रोग में देखने को मिलती है? तो विसूचिका में जो है दोनों चीजें होती है, वमन विरेचन दोनों होते हैं। अलसक में तो भोजन आलसी होकर पड़ा रहता है, विसूचिका आंसर है। विसूचिका में क्योंकि उल्टी दस्त दोनों होते हैं, वमन विरेचन दोनों होते हैं, सबसे पहले लंघन कराया जाता है, विसूचिका की पहली चिकित्सा लंघन है। वायु देश जल देश काल के प्रकोप होने का कारण क्या है? अद्रम। हर व्यक्ति समझता है कि उसका घर साफ रहे, कचरा जो है वो पड़ोसी के घर के सामने फेंक देता है और वही कचरा पूरे शहर में घूमता है। पूर्व जन्मगत कर्म क्या कहलाते हैं? तो पूर्व जन्मगत काम को देव करते हैं और इस जन्म के कर्मों को परोस्कार कहते हैं, तो पूर्व जन्म के वालों को देव कहते हैं और इस जन्म को परोस्कार कहते हैं। अंत पूजन, अंत संधि स्फुटन और अंगुली पर विस्फुटन किसके द्वारा जाना जाता है? तो अंत पूजन, संधि पर विस्फुटन, ये सब अपन जो है
श्रवण इंद्रिय के द्वारा इनकी परीक्षा करेंगे, एक प्रकार से तो प्रत्यक्ष ज्ञान है एक प्रकार से। मेद कौन से सोता का मूल है? तो हर धातु से उत्पन्न होता धातु बनती है, तो मेद से अस्थि बनेगी और स्वेद में भी आता है मेद, दोनों ही आंसर आएगा इसका। जीवा तालु ओंठ कंठ कुलों का सूखना अति प्रबद्ध तृष्णा, ज्यादा कृपा तृष्णा जो है उदक व सोतस की प्रदुष्टता का लक्षण है। 42 का आंसर है सी। निम्न में से कौन सी एक स्वतंत्र व्याधि है? तो जो किसी से आपकी टाई अप हो जाता है तो उसको अनुबंध कहते हैं, यानी वो अनुबंध जो है वो परतंत्र है, और जो ये कहता है अनुबंध है धरो अपनी नौकरी हमें नहीं फर्क पड़ता है, तो वो स्वतंत्र होता है। तो अनुबंध परतंत्र होता है और अनुबंध है जो है वो स्वतंत्र होता है। विशेषात अति तीक्ष्णम दीर्घ काल अवस्थितम मद, पुराने मद जो है पीना कफ की चिकित्सा होती है, ये भी जो है का वर्णन चरक उसमें है विमान में अध्याय 6 में। केश शमशु नको लोम पक्ष ध्वंसा, निम्न में से किस कृमि के कारण होता है? ठीक तो बाल वगैरह इनका सबका नाश होना जो है वो रक्तज कृमि का है। कृमि के समुत्थान स्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सा को क्या कहते हैं? तो जो चरक ने जो वर्णन किया है 7वें चैप्टर में विमान में, सप्तगण के रूप में किया है इन सातों चीजों को। चरक विमान अध्याय 7 में कृमि का वर्णन है सप्तगण के रूप में। परिषदों के प्रकार कितने होते हैं? तो परिषद जो है वो दो प्रकार की होती है, ज्ञानवादी और मूल परिषद, है ना। 8वें चैप्टर है चरक विमान के। परीक्षक लोग अनेक बार परीक्षा करके हितों द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय काल निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। दृष्टाद आदृष्टार्थ सत्य आनरत किसके भेद है? दृष्टाद आदृष्टार्थ सत्य आनरत जो है ये चार वो शब्द के भेद हैं। कुछ शब्द दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं, कुछ झूठ होते हैं, कुछ सच होते हैं। भय दर्शन विस्मासन विस्मारण क्षोभण हर्षण भर्षण बद्ध बंध, ये आद्रभूत चिकित्सा बताई गई चरक विमान 8 में। प्रकृति विकृति सार संधान प्रमाण सत्व सात्म आसक्ति भय जो है ये 10वीं परीक्षा है, रोगी परीक्षा को होती है 10वीं परीक्षा, रोगी परीक्षा है, रोगी परीक्षा है 10वीं परीक्षा, रोगी परीक्षा में आती है। संशोधन कर्म का प्रयोग किस ऋतु में करना चाहिए? संशोधन जो है वो शरद में होता है, बसंत में होता है, बसंत में भवन कराते हैं, रावट में होता है। कफ वात और कफ के रोगों में अनुवासन बस्ती के लिए श्रेष्ठ स्नेह क्या होता है? तो वात पित्त के लिए घृत होता है और वात कफ के लिए जो है वो तेल होता है। ये भी सब मिलेगा आपको चरक विमान अध्याय 8 में। मन के गुण हैं एक होना और अणु होना, अणुत्वम चा एकत्वम चा, एक होना अणु होना ये मन के गुण हैं। फिर और राशि पुरुष किससे बनता है? तो चतुर्विंशति पुरुष होता है राशि पुरुष, है ना, अष्ट प्रगति षोडश विकार से मिलकर बनता है। निम्न में से विकार नहीं है, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच महाभूत और मन, विकार वो होते हैं जो किसी से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये तो उत्पन्न होते हैं, इंद्रियां भौतिक होती हैं, मन अव्यक्त महान अहंकार, ये विकार नहीं आते, अष्ट प्रगति में आते तो ये विकार नहीं। चिकित्सक द्वारा होने वाले पूर्व रूपों को देखकर जो चिकित्सा की जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्व रूप के देखने वाली चिकित्सा को अनागत रोग चिकित्सा कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, चरक में स्पेशल दिया गया है सारी स्थान में, चरक सारी अध्याय 1 में। यज्ञापराध से क्या होता है ना, दी दधि स्मति कर्म यत करोति आसवं विज्ञा प्राचार्यात्
सर्व दोष का प्रकोप नाम से, क्या पराप से सर्व दोष का प्रकोप होता है। शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता? तो शुक्र में खाली आकाश नहीं होता है, चतुष्पाद चार महाभूत होते हैं, आकाश नहीं होता है। सिरा स्नायु धमनिया कौन सा भाव है? तो सिरा और धमनिया शरीर में पोषण प्रदान करती है, क्या करती है पोषण। तो माता का काम है पोषण पालन करना, पिता का काम है पोषण की व्यवस्था करना। तो इसका आंसर जो है 60 का आंसर बी है, पितर। स्वर और वर्ण किस भाव में सम्मिलित है ना? स्वर और वर्ण जो है आत्मा जो सात्मज भाव है, दोनों में आते हैं आत्मा जो सात्मज। आर्तव प्रदोष के कारण निम्न में से कौन कौन सी विकृतियां होती हैं? बंधय, पूतिव्रज, तृणपुत्रिक। ये चरक सारी में आया हुआ है इनका वर्णन। आर्तव में जो कि हम जो एक कंसेप्ट समझते हैं, एक राम जो है वो मेल है और रमा जो है वो फीमेल है, तो रमा जो होगा उसमें बड़ा आना चाहिए, यानी बंध्या, पूति, प्रजा और वार्ता, ये रिप्रेजेंट करेगा आर्तव को और ये रिप्रेजेंट करेगा शुक्र को। नोट्स में है ये सब चीज। किस सत्व का उभय लक्षण यज्ञम है? वरुण सत्व का, एंड सत्व का, तो वरुण और यंद्र में जो आता है यज्ञम, इंद्र में तो आता है, उसके बाद वरुण में भी आता है। दुख का हेतु प्रवृत्ति है, सुख का हेतु निवृत्ति है, इस ज्ञान का क्या कारण है? सत्य ज्ञान है ये, किसी चीज की इच्छा होना, प्रवृत्त होने में दुख है और निवृत्ति में सुख है। तो अब अधिष्ठान रोगों का युग्म बनाइए। पित्त त्वचा में होता है, एस के सिर में कैलाश होता है, चौथे में होता है डी के, में तो ये सिद्ध क्लास की, चौथे में डी के होता है, पांचवे में होता है एवरेज अलजीवित्ती, छठे में होता है तमा प्रवेश और अरुंसी का। इसके हिसाब से देखा जाए तो पहले का पहला, फिर चौथा है ना, 65 का बी आंसर सही हो जाएगा। स्थूल और सूक्ष्म विवृत शब्द और श्रोतम कौन से तत्व में सम्मिलित हैं? है ना, स्थूल सूक्ष्म और विवृत, विवृत जो है और शब्द, शब्द स्पेशली अंतरिक्ष में होता है, आकाश में होता है। क्षीर विशोधन द्रव्य कौन कौन से हैं, यानी जो दूध को हम विशोधन कर देते हैं, तो उसमें आपका तिक्त रस आता है, कषाय कटु मधुर रस, ये बताएं क्षीर विशोधन में। उसकास दर्व गुंद्रा इत्कट मूल साली सस्टिक कृत्रण वीरण इच्छी बालिका क्या है? ये जनन जनन महाकसाय में आते हैं, सभी दशमानी में आते हैं। निम्न में से अरिष्ट लक्षण क्या है? दांत पे पुष्प की आकृति का चिन्ह बनना, दांत पे कीचड़ का आवरण होना, दांत पे चूर्ण जैसा द्रव निकलना। ये तो सभी सुन के ही लग रहा है कि सभी के सभी विकृति हैं। यदि चिकित्सक रोगी के शरीर से लगातार एक विशेष प्रकार की गंध आती है और रोगी को स्वयं गंध को महसूस करे तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसको पुष्पित बोलेंगे, चाहे वो आप सुगंध हो या दुर्गंध हो, दोनों में पुष्पित होता है। पुष्पंध में सुगंध भी आती है और दुर्गंध भी आती है। फूल आटोप आंत पूजन दौर्बल्य नखों में व्यवण आदि किस रोग के पूर्व आदिष्ट लक्षण हैं? तो गुल में आता है सूल आटो बांध पूजन दौर्बल्य नखों में वेवर्ण। रोगी प्रतिलोम और अनुलोम रोग मार्ग मार्गी रोग एवं घरेलू रोग से प्रभावित हो जाए तो उसका जीवन कितने दिनों तक रहेगा? हो जाएगा एक पक्ष रहेगा। फिर आओ, यदि दांतों पर कीचड़ के समान मुख पर चूर्ण के छिड़काव और शीतलता का अनुभव होना किस बात का द्योतक है? तो शीतलता
शीतलता कन्वा, दांतों में कीचड़ होना, ये तो सद मृत्यु में आता है, सद दो मरण। विश्व भेषज्ञ क्या है? तो पहले भी पूछा गया, विश्व भेषज्ञ सुंडी है। च्यवनप्राश अम्ल का विशेष प्रयोग क्या है? तो श्वास कास लंग्स को ज्यादा मजबूत करेंगे। निम्न में से कौन सा भल्लातक रसायन योग्य नहीं है, यानी भल्लातक रसायन के 10 योगों में नहीं आता है? तो ची सर्पी गुड़ छोद यूस तेल से तो सब आते हैं, बलल लवण है ना, बलल लवण, और एक ऑप्शन यहाँ पर छूटा हुआ है, एक है नन, नन ऑप्शन है इसमें, ये सभी आते हैं। 77 में आते हैं, यदि आर्द्र औषधि उपलब्ध ना हो तो सूरस निकालने के लिए औसत चूर्ण उदक का अनुपात क्या होना चाहिए? एक आड़क चूर्ण और एक आड़क उदक, आधा आड़क चूर्ण और आधा आड़क उदक, और एक आड़क चूर्ण और आधा उदक, रेशो 1:1 का ही बताया है चरक में, तो एक आड़क चूर्ण और एक आड़क उदक। पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग किस रोग में करते हैं? वर्धमान रसायन जो है वो पीओदर में बताई गई है। त्रिफला रसायन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आहार उपरांत एक हरित की, आहार के पूर्व 2 पीपली तक, आहार के मध्य करत और मधु के साथ में 4 आमल की। ये तो सारी चीजें सही हैं, क्योंकि पहले आमल की लेते हैं, फिर पीपली की और हरित की लेते हैं, तो है ना, यही सही क्रम है, क्योंकि हरित की बात को शांत करती है, पीपली तक पूर्व में लेंगे कफ को ठीक करता है, आमल के बीच में लेंगे पित्त को ठीक करता है। 79 का आंसर होगा डी। सभी प्रकार के शिलाजंतु में कौन सा शिलाजंतु श्रेष्ठ होता है? लोह शिलाजंतु श्रेष्ठ होता है। मोहर शीत, मोहर स्वेदो, स्तंभो, मोहर मोहर, किस प्रकार के ज्वर का लक्षण है? तो दाह हो रहा है यानी पित्त, शीत हो रहा है यानी कफ, श्लेष्म पित्त है। लिप्त तिक्तस्यता, लिप्त जो है वो कफ और तिक्त जो है पित्त, श्लेष्म पित्त का है ये भी। नव ज्वर में कौन सा रस निषेध है? तो कषाय रस नहीं लेना चाहिए, स्तंभक होता है, विषम ज्वर कर देता है। वत्सक किसका पर्याय है? कुटज का, कुटज रोहिणी का, किरात तिक्त का, तो वत्सक जो है वो कुटज का पर्याय है। रक्त पित्त के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ऊर्ध्व रक्त पित्त साध होता है, दोगी आप पे होता है, उभयक रक्त पित्त जो है वो असाध होता है, तो ये तो सारे कथन सही है। मोच रस किसका निर्यात है? सालमली का निर्यात, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, हरियाणा के दूसरे पेपर में भी पूछा गया था। पाचक क्रिया में साध होने का कारण है महात्यक होने से, विषम क्रिया साध होने से, सम क्रिया होने से, महात्यक होने से असाध होते हैं पाचक क्रिया में। दो से च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धते किस रोग में लक्षण देखने को मिलता है? मतलब अपस्मार का जब वेग आता है तो उसके बाद व्यक्ति जब उठता है तो उसको ऐसा लगता है कि सो के उठा हुआ है। 88 का आंसर जो है अपस्मार है बी। और ये क्वेश्चन अभी अपन ने जो जीके पीएससी का लगाया था जम्मू कश्मीर, उसमें भी ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन वहां पर भी था, रिपीट हुआ है, ये 2006 का पेपर लगा रहे हैं, 2016 वाले में भी था। साढ़ चूर्ण का मुख्य घटक क्या है? धान्यक, सुंठी, कपित, दाड़िम। तो साढ़ चूर्ण जो है उसका पित्त रहता है इसमें। कंस हरित की औषधि का कौन सा स्वरूप है? आशा, अरिष्ट, अम्लीय, अम्लीय स्वरूप का रहता है। श्री वेष्टक क्या है? मूल है, निर्यास है, तो सरल का निर्यास है श्री वेष्टक, सरल का निर्यास है, सरल या गंध पिचोरा जिसको कहते हैं। सर्व शरीर पर कौन सा रोग प्रभाव करता है?
है ना, विस्फोट, कक्षा, मसूरी का, ये सोत है जो पूरे शरीर में इनका प्रभाव होता है। तरह के हिसाब से सोत है क्योंकि शरीर। निम्नलिखित में कौन सा प्राण नासु निकृता कहा गया है ना, इनका श्वास के लिए कहा गया है प्राण नासु निकृता, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी आएगा ये, यूपीएससी पेपर लगाएंगे तो उसमें भी मिलेगा ये। सर्ज रस किससे प्राप्त होता है, तो सर्ज रस जो है वो साल का निर्यास है। सुपूर्ण गलासता क्या है, सुपूर्ण गलासता भोज्यानाम अवरोध जो है ये बांस का पूर्ण रूप है। अकस्मात शीतार्थो भैसी बुर्बला कृशा, कौन से जो है उसके लिए कहा, कांस के लिए कहा गया, तो ये छह कांस में आता है, भैसी दुर्बलो कृशा। सतज में तो पारावती पूजन आ जाता है। प्रभाविका किसका लक्षण है, तो प्रभाविका कफज अतिसार में देखने को मिलता है। शोका जो भेद अतिसार के लक्षण किस में देखने को मिलते हैं, तो शोका जो भेद अतिसार के लक्षण जो है उसकी तुलना वाता जतिसार जैसे लक्षण मिलते हैं उसकी चिकित्सा वाता जतिसार के समान की जाती है, मानसिक मान के। चांगिरी ग्रंथ का रोग अधिकार किस में है, तो चांगिरी ग्रंथ बुध भ्रंश में यूज होता है। सुनिश्नक चांगरी ग्रंथ अर्श में यूज होता है और चांगरी ग्रंथ जो है उद भ्रंश में रहता है। पिच्छावस्थि का प्रयोग किस में निषिद्ध है, वातातिसार, रक्तातिसार में, पित्तातिसार में, कफातिसार में। पिच्छावस्थि जो है वो चूंकि वातातिसार वगैरह में मना है फर्क के हिसाब से। फिर आते हैं कदर्मक विसर्ग का कारण क्या है, तो कदर्म आग्नेय ग्रंथि, कदर्म तीन क्रमशः द्वंद्वज होते हैं, आग्नेय वात पित्त जो होता है, ग्रंथि वात कफ होता है और कदर्म पित्त कफ होता है। विसर्ग की शेष चिकित्सा क्या है ना, विसर्ग की शेष चिकित्सा रक्त मोक्षण है, एकतानि सर्वाणि एक तरफ रक्त मोक्षण। विसर्ग में क्योंकि कुष्ठ में त्वचा दूषित होती है, विसर्ग में रक्त दूषित होता है। सदा अम्बु कामित्वम क्या है, तृष्णा का पूर्ण रूप है, रूप है उपद्रव है, तो तृष्णा का वह रूप है। निम्नलिखित में से तृष्णा के लिए कौन सा जल श्रेष्ठ होता है, इंद्र तोय और मधु, तुवर अनुरस तोयम क्षीर, क्षितिज स्थित जल। इंद्र तो मन जो है अंतरिक्ष जल अच्छा होता है। मंडल कंडु सबतु कोट किस में देखने को मिलते हैं, इसके पंचम वेग में, सष्टम वेग में, पहले में रक्त दूषित हो, रक्त रस, फिर रक्त, फिर मंडल, तीसरे में आएगा, तो तीसरा ऑप्शन में ही नहीं है, इसमें जो नॉन आंसर होगा। श्री वैष्टक किससे प्राप्त होता है, सरल कनेरिया से श्री वैष्टक गंध जोड़ा। सूची वन और टू को साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दर्भीकर साहब मंडली राजीमान साहब के लिए बुझा है, दर्भीकर जो है बात होते हैं तो रुक्ष होगा उनमें गुण, मंडली जो है वो मंदगामी होते हैं, पित्त जो होते हैं तो उष्ण वीर होंगे, और राजीमान जो है वो कफ है तो शीत वीर होंगे, इसका तो सीधा सीधा 1 2 3 सही है। गर्विष की चिकित्सा में स्वर्ण कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो 1 सांड मात्रा में दिया जाता है, ये कई बार ये क्वेश्चन पढ़ोगे आप। गर्भ इसमें वमनार्थ करने के लिए ताम्र जो है, पहले स्वर्ण का यूज होता है, पहले ताम्र रज जो है मधु के साथ देते हैं, ताम्र रज है, भस्म तो सब चरक में आता ही नहीं। अष्टांग लवण का प्रयोग किसमें करते हैं, तो कफज मदार्थ में करते हैं, ये क्वेश्चन एमबीबीएससी में भी आया होगा।
सेवनी, मेहन, बस्ती, सूल, बिशीन, धार जो है किसमें देखने को मिलता है? तो बिशीन धार जो है असमरी में देखने को मिलती है। असमरी में कौन से चूर्ण का प्रयोग किया जाता है? पाषाणवे चूर्ण का, त्रिविष्टादि चूर्ण का, ये चरक की चिकित्सा में है, दोनों ही बताए गए हैं। यद शून्य भावस भाव द्रव सोस भेद स्तंभ सम्मोहा, किस हृदय रोग का लक्षण है? तो शून्यता तो बिना जो है वात के नहीं बन सकती, तो वात हृदय रोग का होता है। धातु चाहे वात वृद्धि, कुछ चीज घटेगी शून्य होगी तभी वात की वृद्धि होगी। खदरादि गुटिका और खदरादि तेल का मुख्य घटक क्या है? अरीमेध है, बेट खादर कहते हैं इसको, छोटा खादर। पंचकम का निषेध किस रोग में किया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हो रहा है, उरुस्तम का है। उरुस्तम की संप्राप्ति क्या है? आम उत्पन्न होना, ठीक है, अधोशिरा से आम का उरु तक पहुंचना, शक्ति जंगा उरु में मेद के समान आम का और दोषों का पूरण होना, है ना? सभी तो सभी सही है। पंचकम ध्यान निद्राती स्थिमित अरुणचक्र। ध्यान में कौन बैठा रहता है जिसकी टांगे पहले काम कर रही थी बाद में टांगे काम करना बंद कर दी? तो ये उरुस्तम का पूर्व रूप है। फिर शीत स्पर्श न व्यतिचा किसका लक्षण है? तो शीत स्पर्श का ज्ञान न होना उरुस्तम का लक्षण है, उरुस्तम में शीत स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। पोस्ट आश्रित कुपितवाद के विषय में कौन सा सत्य है ना? मूत्र बंद और मल बंद हो जाते हैं पोस्टगत कुपितवाद, ठीक है। विघ्न और हर्निया हृदय रोग होते नहीं। गुल्म अर्श पार्श्व उत्पन्न हो जाता है। गात स्फुरन भंजन संधि स्फुटन, बात स्वर्ण भंजन होता है। 119 का आंसर डी है। भुक्तस्य स्तब्ध यानी खाया हुआ भी बचता नहीं है, वो रक्त का तो बात है क्योंकि इसकी तुलना ब्लड प्रेशर से करते हैं, बीपी से करते हैं। आज स्वप्न किसके प्रकोप का कारण है? तो आज स्वप्न जो है वो डी अस्थि मज्जागत बात का कारण है। अर्दित में बात का स्थान क्या है? सर्वांग शरीर, अर्ध मुख, पावसा, पावसा दोनों आंसर सही है, अर्ध शरीर और अर्ध मुख। पाद जंगो उरु मूल अबोटिव अबोग्नि किससे संबंधित है? खल्ली के लिए कहा गया है इसलोक, पाद जंगो उरु कल उरु मूल अबोट। सर्दी और श्वास का क्या कारण है? प्राणावृत व्यानवाद, उदानावृत अपान, उदानावृत समान, उदानावृत प्राणवाद। तो सर्दी तो उदान के बिना नहीं हो सकती, पवन बिना उदान के होता नहीं है, उदानावृत अपान का है ये। व्यानावृत अपान का क्या प्रभाव होता है? व्यान वायु पूरे शरीर में रहती है तो पवन भी होगा, उदावर्त भी होगा, परिकर्ति का गुण, सभी आंसर सही। मलमूत्र की अति प्रवृत्ति किसका लक्षण है? मल को निकालना, मूत्र को निकालना अपान वायु का लक्षण है, ठीक है। तो अपान जब व्यान से आवृत हो जाएगी तो ज्यादा प्रवृत्ति होगी, अपान आवृत व्यान का है। वात रक्त के भेद कौन से होते हैं? उत्तान और गंभीर। एक सौ छब्बीसवां ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मलमूत्र शुक्र को निकालना, अपान वायु का अति प्रवृत्ति जाती जब होगी व्यान में हो जाएगी। पित्त वात रक्त के विषय में कौन सा कथन सत्य है? गंभीर वात रक्त से खज होता है, गंभीर वात रक्त से पंगु होता है, वाय आश्रित वात रक्त से खज पंगु दोनों होता है, उत्थान वात रक्त से खज होता है, वाय आश्रित से होता है खज पंगु। ना ही डे 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 सम किंचित वात रक्त चिकित्सा, बस्ती से बढ़ के कोई वात रक्त की चिकित्सा नहीं होती है। बोधि वृक्ष का साय जिसको अपन पीपल कहते हैं, वो काय में यूज होता है मधु के साथ। तो खजपंगु
है ना, बोधि वृक्ष काढ़े का यूज होता है विरेचन के लिए, किस रोग में करते हैं? या ऑप्शन थोड़ा वे हो गया, या बात का कैंसर है इसका, टाइप करने में शायद चूक गया होगा, बात रखते हैं। पिच्छिल आर्तव का कारण क्या है ना, पित्तज्वनि या फिर तो कफज, कफज और जो है सन्निपातज में भी लिखा है पांडु पिच्छल वाहिनी और श्वेत पिच्छल वाहिनी। दो दो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, श्वेत पिच्छल वाहिनी, पांडु पिच्छल वाहिनी, कफज और सन्निपातज दोनों हैं। एक में श्वेत पिच्छल वाहिनी आता है। एक में पांडु की छिलवानी आता है। उपलुता योनि व्यापक सिर्फ किसमें मिलती है ना? उपलुता योनि व्यापक जो है वो गर्भावस्था में होता है, ये तो उपलुता। कंडुलिकम मूल और छोत्र जो है टेंडुलम्बू के साथ में किस रोग में प्रयोग करते हैं? तो ये श्वेत पदर चूर्ण जो है उसका अनुपान है, पोषणक चूर्ण जो है यानी पदर का उसका अनुपान है, पोषणक चूर्ण का। पोषणक चूर्ण होता है अर्श में, अतिसार में, पदर में। तर्क अनुसार मृग अजा अभी बरा का रक्त दधि अम्ल छोद और सर्पी का प्रयोग किस रोग में करते हैं? आरजस का। अष्ट संख्या किसकी है, शुक्र दोष की, स्तन दोष की, दोनों की होती है। द्रणवल के पिता कौन थे? तो द्रणवल जो है कपिल बलि के पुत्र थे। भेषज प्रयोग का सिद्धांत क्या है? देश काल साथ में, साथ में सभी सब सब चीजें काउंट की जाती है उसमें। श्लेष्म व्याधि कौन से काल में प्रकोपित होती है? प्रातः काल, खाना खाने के बाद, अपरोह अंत में, रात्रि में। तो प्रातः काल, कफज व्याधि प्रातः काल प्रकोपित होती है। औसत का मूल का संग्रह कब करना चाहिए? मूले ग्रीष्म शिश्रे, ग्रीष्म ऋतु में अथवा शिशिर ऋतु में जो है मूल ग्रहण करना चाहिए। औसत का संग्रह किस दिशा में मुख करके करना चाहिए? तो सबसे अच्छी उत्तर उत्तर पूर्वी मानी जाती है। समी वामक द्रव्यों को मधु और सेंधव के साथ मिश्रण का प्रयोग करके क्या कारण है? तो मधु और सेंधव मिला के प्रयोग करने से कफ का विलयन हो जाता है और छेदन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आई ए पी जी ई टी 2017-21 दो बार पूछा गया। फल पिपली किसे कहते हैं? तो मदन फल बीज जो होता है उसको फल पिपली कहते हैं। मदन फल का पर्याय कसन, श्वसन, राट, परहाट। श्वसन मदन फल का पर्याय है। बृहत फल, श्वेत पुष्प और स्निग्ध पत्र किसकी पहचान है? बड़ा हमेशा पुरुष ही होता है। 44 का एक निम्न में से कौन सा कठिन कुटज विषय में असाध्य, इसके दो भेद होते हैं। श्याम और अरुण पुष्प स्त्री कुटज में मिलता है, पुरुष कुटज में छोटा वृंत मिलता है। रक्तपित्त कफ सुकुमार लोगों में इसका प्रयोग करते हैं। हृदय रोग ज्वर बात रक्त विषय में इसका प्रयोग किया जाता है। 145 के बारे में ये सी जो है वो छोटा नहीं होता है, पुरुष कुटज बड़ा होता है, पर भी लिखा बनने के बड़ा होता है। सुंठी का पर्याय है नागर मिश्र भेषज दोनों। नाप तोल के विषय में सत्य है, 100 पल बराबर 1 तोला सही है, 6 मरीची बराबर 1 सरसव, 8 सरसव बराबर 1 राजी का, 8 सरसव बराबर 1 टंडोल, सभी सही है तो कोई नहीं।
विरेचन के उपरांत नीरू बस्ती का विश्राम काल 7 दिन तक रहता है। तस्मा चिकित्सा अर्धम भुवंती सर्व, बस्ती को आदि चिकित्सा कहा गया है पंचकर्म के संदर्भ। विरेचन कर्म किस रूप में करते हैं? हलीमत में, कामला में, वातरक्त में, कृमि कुष्ठ में, सभी में करते हैं। पूरी चरक ही पूछ लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।